मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा नर्सिंग कॉलेज विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल को बार बार टाले जाने को लेकर आक्रोश पनप रहा है। गुरुवार को मुख्यालय पर सैकड़ों नर्सिंग छात्र छात्राओं ने एकजुटता दिखाते हुए आक्रोश रैली निकाली। गणेश मंदिर से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टाइम टेबल जारी करने की मांग की। उक्त छात्राओं ने बताया, प्रवेश के बाद से एक ही क्लास में 3 साल से पढ़ रहे हैं। परीक्षा लगातार तीसरी बार रद्द हुई है। पिछले 3 साल से नर्सिंग कॉलेज में एग्जाम नहीं हुई है, जिससे जिले के 600 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में है। यदि समय से परीक्षा नहीं होती है तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, हम सभी नर्सिंग छात्र संगठन ने एक नारा दिया है कि मामा तेरे राज में 3 साल एक ही साल में। इसका मतलब अपन सभी लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चा प्रवेश लेता है, जो उसकी 1 साल बाद एग्जाम हो जाना चाहिए, वो अभी 2 साल और 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कोई एग्जाम उसकी न ली गई है। इसका परिणाम बच्चे बहुत सारे मेंटली परेशान है। जो गरीब लोग हैं वो अपना किराए से कमरा लेकर खरगोन में रह रहे हैं, उनका जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा जो सरकारी भर्तियां निकल रही है उसमें जो मेल नर्स की भर्ती होना चाहिए उसमें लिंग भेदभाव हो रहा है। भारत का संविधान ये बोलता है कि समान लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे साथ लिंग भेदभाव हो रहा है। हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो जो भी मांगे हैं सभी प्रमुख रूप से रखकर उस पर विचार किया जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, लोकतंत्र में अधिकार है, हमको शांतिपूर्ण धरना हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी हम निवेदन करेंगे, इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे हमको जाके बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। लगभग कितने की संख्या में पहुंचा है? लगभग हम 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ पर अपना काम छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राहुल सोलंकी। हमारा ये कहना है कि हमारी जो एग्जाम होने वाली थी जो 1 साल में होती है, वो एग्जाम हमारी 2 साल और 8 महीने हो गई है, अभी तक हमारी एग्जाम नहीं हो रही है। अभी एक टाइम टेबल जारी किया गया था, 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी हमारी एग्जाम, जो अभी तक नहीं हुई और अभी बीच में पोस्टपोन हो गई है। और कहा गया है कि जो नामांकन प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हमारा कहना है कि जो हमारी एग्जाम 1 साल में होती है वो 2.5 साल हो रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमारी एग्जाम जल्द से जल्द ले, और कभी हमारी एग्जाम नहीं होगी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। फीस वगैरह सब पूरी ली जाती है? यस सर, फीस पूरी ली जाती है और हमारी फीस पूरी कंप्लीट भी हो गई है। और हमें कहा गया है कि हमारी एग्जाम अभी होने वाली है तो तुम्हारी एग्जाम फीस भी लगेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी एग्जाम नहीं ली है। ये बच्चों के द्वारा मतलब सीधे अपने मामा शिवराज मामा से मांग कर रहा है? हाँ, ये हमारी मांग है कि हमारी परीक्षा जो है वो जल्द से जल्द हो। मेरा नाम रिंकी किराड़े है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।